जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ के एक फीचर IIS के बारे में। IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक कर ले, इसमें आप जाइए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ, आप इसे क्लिक करेंगे। विंडो ओपन होगी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और इसमें आपको दिखाई देगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आप इस पर टिक मार्क लगा दें, चेक कर दें इसको और ओके कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कॉन्फ़िगर विंडोज़ में इंस्टॉल होने में। हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। विंडोज़ का एक फीचर होता है, बस उसको इनेबल करना पड़ता है। मैं एक बार वीडियो पॉज कर देता हूँ, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। तो क्या अपने कंप्यूटर पर ये इनेबल हो गया है? तो अब हम इसको देखते हैं कैसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों इसको इनेबल कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे, हम इस पर सर्च पे क्लिक करें और टाइप करें IIS। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे जाएगा, आप इसको ओपन कर लें यहाँ से। दोस्तों IIS बेसिकली क्या है, विंडोज़ पे रन होने वाला एक वेब सर्वर है, जो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर भी बोल सकते हैं। और ये यूज़ होता है कि जो वेबसाइट्स जैसे बनाते हैं डेवलपर्स, तो उनका जो डायनेमिक और स्टैटिक वेब कंटेंट होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। एक सिस्टम पे इसको इनेबल कर देते हैं, बाकी के जितने सिस्टम्स होते हैं वो उस सर्वर पे कंटेंट को, चाहे डायनेमिक हो या स्टैटिक हो, उसको यूज कर पाते हैं। कंटेंट को अपने और अपने हिसाब से चेंजेस कर पाते हैं सारे एक ही सिस्टम पे। तो ये इसलिए यूज होता है और इस तरह से यूज होता है। और इसमें इस पे आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। और किसको यूज करते हुए, ASP.NET एंड PHP, इस तरह की वेबसाइट्स या उसके वेब कंटेंट को आप होस्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स वगैरह। तो ये इस तरह से होता है, ये केवल विंडोज पर ही काम करता है। तो इसको देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। शुरू में आप ही आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, आप इसको एक्सपैंड कर लें, वेबसाइट शो होगी उसको एक्सपैंड कर लें साइट्स पे। तो ये डिफॉल्ट वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पे राइट क्लिक करें, मैनेज करें और इसको ब्राउज करके देखें एक बार। ये आपका पेज ओपन होना चाहिए, ये इस तरह से ओपन होना चाहिए दोस्तों। ये मतलब आपका जो वेब IIS जो है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, परफेक्टली इंस्टॉल हो गया एंड कॉन्फ़िगर हो गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अलग अलग तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।